खरगोन सहित जिले में त्यौहार पर मिली छूट के बाद कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होते दिख रहा है। बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन अब सख्त रवैया अपनाने में जुटा हुआ है। इस बात का पता तब चला जब खरगोन में 7 दुकानें सील हो गई। कलेक्टर अनुग्रह पी के निर्देश पर SDM सत्येंद्र सिंह ने शहर का दौरा किया और बिना मास्क पहने लोगों पर चालानी कार्रवाई करके तकरीबन 7 दुकानों को सील कर दिया। आपको बता दें कि शासन का सख्त आदेश है कि कोई दुकानदार बगैर मास्क के सामान लेता है या ग्राहक को देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SDM सत्येंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस विभाग टीम के साथ पहुंचकर शासन की मंशा अनुरूप कार्रवाई की है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितों की संख्या अभी 2-3 दिनों से निरंतर बढ़ रही है। कलेक्टर महोदय ने निर्देशित किया है कि शहर के अंदर जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे सघन चेकिंग की जाए कि दुकानों के अंदर बिना मास्क वाले जो भी पहने हैं दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो मोटरसाइकिल और विभिन्न गाड़ियों पे जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की जाए। उसी सिलसिले में हम और पुलिस SDOP साहब के साथ हम लोगों की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। मैं आपके माध्यम से सभी दुकानदारों को भी अनुरोध करना चाहूँगा कि उसी ग्राहक को अनुमति दें आने के लिए जो मास्क पहने हुए, बिना मास्क वाले को मना कर दें। अगर ऐसा नहीं होता है, पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुकानें भी सील की है सर, कितनी दुकान? आज हमने इसी अभियान के तहत 7 दुकानें अभी सील करी हैं और ये हमारा अभियान सतत जारी रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।